अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगे। आज का ट्यूटोरियल है लिक्विड का। लिक्विड का ट्यूटोरियल मैंने पहले सोचा मैं देती हूँ, फिर मैंने काफ़ी दिनों से पूछ भी रहे थे सारे, काफ़ी दिनों से लोग पूछ भी रहे थे कि लिक्विड टेक्सचर आपका, मैंने जो लिक्विड टेक्सचर बनाया हुआ है बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट डस्टी है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सीमेंट की तरह है। तो ये सारे वो लिक्विड मैंने अपने टेक्सचरों से जो निकाले थे, तो ख़ासतौर पे वो जो टेक्सचर जो सैंड सीमेंट के, ग्रीटी क्ले के और रेड डर्ट के, जितने भी मैंने यानी कि वो लिक्विड सेपरेट करके उनमें मैंने सीमेंट इसी तरह मिलाकर तो उनको बिल्कुल हार्ड करके, यानी कि हार्ड, बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसा बना के, तो फिर मैंने उसको क्रश करके बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर की शक्ल में मैंने ना बनाया था। तो वो मेरा लिक्विड टेक्सचर को बनाने का वो ये। और पता है तोड़ने पीसने वाले के बाद जब टेक्सचर बनता है ना, तो बड़ा ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में बनता है, बहुत मज़े का और इजी टू मिक्सिंग और इजी टू क्रम्बलिंग वो चीज़ हो जाती है। तो फिर अगर आप इस तरह विदाउट सीमेंट के ऐड, बिना सीमेंट ऐड करने के अगर आप लिक्विड टेक्सचर को बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आपके हार्ट को, हाथों को यानी कि मुश्किल होगी, आप मिक्स नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से मिक्सिंग में लम्स बनेंगे और वो चीज़ आपको तंग करेगी, फिर आप उसका टेक्सचर को बनाने का और करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्ट में ऐसे ही करती थी। लेकिन अब जो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड टुगेदर करने के, यानी कि इन दोनों को मिला लेंगे और इनको अच्छी तरह धूप में ड्राई करने के बाद, हार्ड करने के बाद क्रश कर लेंगे ना, तो फिर आपकी ये मिक्सिंग ऐसे होगी जैसे रुई, जैसे लगा ले, आपको मिक्सिंग का पता नहीं चलना, आपको बड़ा मज़ा आएगा मिक्सिंग करने का, बहुत फ्लफी, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही लाइट फॉर्म में टेक्सचर तैयार होता है सीमेंट ऐड करने के बाद। तो ये था मेरी, ये मैं आपको सारा बता रही थी। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने कल रेड क्वीन से सीमेंट लिया था, मेरे पास तो सीमेंट नहीं था, तो मैंने उनसे ये सीमेंट लिया, थैंक यू सो मच रेड क्वीन बाजी। अब मैं ये सारा का सारा ना ये अंदर ऐड कर रही हूँ सीमेंट, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह जमाना है, ड्राई करना है इसको मैंने अच्छी तरह। अच्छा जब मैं इसको करती हूँ मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि सीमेंट जो है ना वो अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि सीमेंट जब आप अंदर डाल देते ना तो फिर वो बहुत जल्दी ना ड्राई होती है, हार्ड बहुत जल्दी होती है, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट हो ना फिर तो बहुत ही जल्दी हार्ड होती है। अच्छी तरह से इसको मैं कर लूँगी मिक्स, हाथ से मैं इसलिए नहीं कर रही, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, फिर मुझे धोना पड़ेगा सीमेंट और लिक्विड जाया जाएगा। तो ये अब ये मेरे हाथ से मिक्स हो गया, देखो होता है, हम लोगों ने ये लिक्विड बनाने का टेक्सचर मैंने और रेड क्वीन ने शेयर किए हैं, होपफुली आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने लिक्विड टेक्सचर बनाने के लिए जितनी एफर्ट कर रहे हैं ना, रेड क्वीन जो अपने चैनल पे इतनी एफर्ट कर रही है लिक्विड टेक्सचर को बनाने के ट्यूटोरियल शेयर कर रही है मैं आपको, क्योंकि उसका तरीका भी अच्छा है, मेरा तरीका भी मेरे लिहाज से अच्छा है। उसका तरीका ये है कि वो लिक्विड के अंदर सीमेंट मिला के रख देती है और वो फिर जो होता है ना बिल्कुल आप लगा लें बिल्कुल फ्लफी, जैसे पाउडर नहीं होता वैसे उसका टेक्सचर तैयार होता है। मेरा ये तरीका है कि वो जो तरीका करती है ना वो उसमें शेप नहीं बनती, वो बस आप लिक्विड को मिक्सिंग करें और आप उसको किसी भी यानी कि सांचे में डाल के रख दें, लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं मिक्सिंग करती हूँ और मैं शेप्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने शेप्स वाला टेक्सचर तैयार करना है, तो इसलिए मैंने इसमें सीमेंट ऐड किया या जमा कर इसको हार्ड क्रश करके, फिर इसके बाद मैं इसको किसी भी शेप में डाल सकती हूँ। तो लिक्विड को डाल रही हूँ ताकि जो है ना लिक्विड जल्दी से ड्राई हो, ये सारा पानी जो है ना इसमें जज्ब हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल एक स्लैब तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें सीमेंट है तो ये बड़े अच्छे से जो है ना तैयार होगी। इसको मैं अच्छी तरह साफ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाँ जी वेलकम बैक अनदर
ट्यूटोरियल पार्ट। तो आज मैंने जो सुबह के टाइम ट्यूटोरियल शेयर किया था आप लोगों के साथ लिक्विड को बनाने का, यानी कि लिक्विड टेक्सचर को बनाने का, तो मैंने आपके सामने आपको कहा था कि मैं पार्ट टू भी इसका साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए सुबह ही मैंने इसके अंदर सीमट मिला के तो इसको ना इसके ऊपर डाल दिया था, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अब ये बन गई है पूरी प्लेटर शेप कहते हैं ना इसको, प्लेटर शेप जो भी है, ये देखिए बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर ना फ्लावर्स बने हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस तरह से मैंने हर अपनी स्लैब को बनाती हूँ, और दिल तो कह रहा है इसको तोड़ो ही ना, ऐसे ही जो है ना इसको रख लो। कितनी प्यारी लग रही है ना, कोई आर्ट लग रहा है, ऐसे कोई आर्ट लग रहा है। छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं, ऐसे भी डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो दिल नहीं कर रहा इसको तोड़ने को, लेकिन तोड़ना तो है ना, जाहिर है मैंने इसको अपने टेक्सचर में ऐड करना है। तो इसी तरह से जो है ना मेरा अपना जो लिक्विड का टेक्सचर है ना वो बनाया हुआ है जी। अगर मैं इसको एक दिन और धूप लगाऊं ना तो ये बड़ा हार्ड हो जाएगा, अभी इतना हार्ड हो गया। ये देखिए अभी से ही हार्ड हो गया इतना। अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज करेंगे ना तो वो एक दिन में शेप को जमा देता है। बहुत हार्ड हो गया, मेरे हाथ में दर्द भी है ना, उस वजह से भी नहीं हो रहा, कहीं कहीं सीमेंट के अंदर है। हाँ ये आप इसको डंडे से ही तोड़ते हैं। हाँ जी ये जब मैं इसको एक दफ़ा धूप लगवाऊंगी ना इस पाउडर को, तो फिर आप देखना, क्योंकि मैं ना गीला गीला करती हूँ, एक दफ़ा थोड़ा सा ड्राई करवा कर कर लिया, शेप अच्छी तरह से जम गई तो फिर उसको तोड़ लेती हूँ, लाइट सा जब गीला होता ना तोड़ लेती हूँ, ताकि वो बाद में ना फिर जो उसके अंदर एक सख्ती आती है ना ज़्यादा से वो ना आए, तो फिर वो पता है उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। ऐसे जब आप टेक्सचर को तैयार करेंगे ना तो आप मोल्ड्स के अंदर यानी कि शेप्स वगैरह किसी भी शेप में इस टेक्सचर को बना सकते हैं, जैसे हम बाकी टेक्सचर बनाते हैं। ये मैं सारा कर लूँ पीस लूँ तो फिर मैं इसके बाद, ये जस्ट मैं आपको एक यानी कि लिक्विड टेक्सचर बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप है तो ये बहुत हार्ड वर्क का काम, लेकिन अगर तो आप बनाना चाहते हैं, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस टेक्सचर को बनाने में तो आप ये बना सकते हैं। तरीका आपके सामने है, मैंने ऐसे ही अपना लिक्विड टेक्सचर बनाया है। तो अब ज़रा मैं इसको सिफ्ट कर लूँ यानी कि छान लूँ। स्मेल यकीन कर इतनी अच्छी आ रही है, सीमट की और लिक्विड की जो मिक्स स्मेल है ना उफ। ये देखें आप इसको बारीक छाननी से भी कर सकते हैं, कमाल चेक करें। सुबह को मैंने लिक्विड डाला, दोपहर के टाइम हुशक भी हो गया। इस तरह से ये होगा कि जो आप जब इसकी शेप बनाएंगे ना तो ये आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि ये लिक्विड है, बहुत सॉफ्ट पाउडरी फॉर्म में होता है तो इसकी वैसे तो शेप बनती नहीं है। जब आप इसमें सीमेंट मिक्स करके इसको क्रश करेंगे तो फिर ये इसकी शेप बन जाएगी इजीली, जैसे कि मेरे टेक्सचर की बनती है। अच्छी तरह से इसको सिफ्ट करके जो ग्रीटी लाइक करता है वो ग्रीटी में भी बना सकता है। मुझे तो ज़्यादा ग्रीटी पसंद है, और मेरे सारे टेक्सचर भी ग्रीटी में ही हैं। आपने देखते होंगे
मेरा कोई भी टेक्स्चर्स यानी कि ना वो नहीं है इतना सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, सॉफ्ट है लेकिन ग्रीटी भी ऐड है। इसको मैं बाद में करूँगी, ये ग्रीटी वाला बाद में करूँगी, इसको सेपरेट कर लेते हैं। और ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, बहुत मेहनत ली है इसने, बहुत तो कह सकते हैं मेहनत ही है। ये देखिए ये सॉफ्ट, इस तरह आप सॉफ्ट में बना सकते हैं। मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि इससे स्टाफ के साथ डेमो शेयर किया है कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लें।